हे गाइस, दिस इज चंदन सिंह, आ गया हूँ एक और वीडियो आपके लिए लेकर, जिसका थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए हो कि भाई वीडियो आज किस तरीके की होने वाली है और किसके ऊपर होने वाली है। तो रियाज जो है टिकटॉक पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी बन चुका है, एक तरह के टिकटॉक का एक आइकन बन चुका है और सभी हर कोई उसको फॉलो करना चाहता है, उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। और उसका जो हेयर स्टाइल है, जो उसका ड्रेसिंग स्टाइल है, हर कोई चाहता है कि उसका भी सेम स्टाइल हो जाए। तो ये वीडियो में मैं आपको रियाज का फैशन सीक्रेट बताने वाला हूँ, किस तरीके से वो अपने हेयर को स्टाइल करता है, किस तरीके से ड्रेसिंग स्टाइल लगता है और बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ एक वीडियो मैंने इस तरीके की और बनाई थी, जो थी परमेश वर्मा के फैशन सीक्रेट के ऊपर। तो जो लोग परमेश वर्मा के बहुत बड़े फैन हैं, वो इस वीडियो को जरूर जाकर देख लो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को भी जरूर चेक कर लेना, लेकिन उससे पहले ये वाली वीडियो देख लो। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की है रियाज में, कि जब मैं उसका इंस्टाग्राम एनालाइज कर रहा था, तो मैंने उसकी मोस्ट ऑफ द पिक एक तरह के आउटफिट टाइप में देखे हैं और वो आउटफिट टाइप था लेयरिंग। तो इससे साफ साफ भाई पता चलता है कि उसको लेयरिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं भी आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आउटफिट टाइप्स में लेयरिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अपना बहुत ज्यादा एफर्ट बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। आप सिंपल तरीके से भी लेयरिंग करते हो तो बहुत ज्यादा बेटर लगोगे। मैंने मोस्टली उसकी पिक्स देखी थी कि वो डेनिम जैकेट्स के साथ या मोस्टली जिपर्स के साथ बहुत ज्यादा लेयरिंग करता है। तो आप ये चीज भी देख सकते हो कि लेयरिंग अगर आप करते हो तो आप चाहे शर्ट के साथ करो, चाहे जैकेट्स के साथ करो या फिर जिपर्स के साथ करो, लेयरिंग भाई अच्छी लगती है। इट डजेंट मैटर कि आपकी हाइट शॉर्ट है, टॉल है, आप चबी हो या फैटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर लेयरिंग करते हो तो भाई आप एज सिंपल एज दैट बहुत ज्यादा अमेजिंग लगोगे किसी और आउटफिट के अलावा। अगर आप लेयरिंग करते हो तो लेयरिंग जो है हर बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और मेरे ख्याल से उसको भी बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए उसकी मोस्ट ऑफ द पिक्स जो है लेयरिंग टाइप के आउटफिट में ही थी। तो ये चीज जो है पहली मैंने नोटिस करी है कि यही उसका फैशन सीक्रेट हो सकता है जिसमें वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। दूसरी चीज जो मैंने उसमें नोटिस की है कि वो अपनी ग्रूमिंग को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। और यही बात होती है कि हम इंडियन मींस अपनी ग्रूमिंग को लेके इतना ज्यादा अगर कॉन्शियस हो जाएं तो हम भी सेम वेल ग्रूम्ड लग सकते हैं जैसा कि वो लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी ग्रूमिंग को लेके इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं। कई बार फर्क नहीं पड़ता है कि हमने सोने से पहले फेस वॉश किया या फिर नहीं किया, अपने हेयर्स पर अपने प्रोडक्ट्स को यूज किया या फिर नहीं किया, अपनी बियर्ड का ध्यान रखा कि नहीं रखा, ड्रेसिंग स्टाइल किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब ध्यान दिया कि नहीं दिया, इन सब पर हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम भी अपनी ग्रूमिंग के लिए कॉन्शियस हो जाएं तो भाई हम भी वेल ग्रूम्ड लग सकते हैं। तो आपने ये चीज भी याद रखनी है कि अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अपने फेस के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप लड़के हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने फेस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल लड़कियां ही करती हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। आपको भी अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी ग्रूमिंग को लेकर कॉन्शियस होना पड़ेगा, तभी आप भाई इतना ज्यादा स्टाइलिश लग पाओगे जितना कि वो लगता है। तीसरी चीज जो भाई मैंने एनालाइज की है उसके बारे में, कि उसकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन हाइटेड पर्सनैलिटी उसकी नहीं है। लेकिन जो चीज उसमें है वो है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो मोस्टली जो है फंकी आउटफिट ज्यादा पहनता है। आप जाओ उसका इंस्टाग्राम चेक करो, आपको मोस्टली पिक्स जो है फंकी आउटफिट्स में ही मिलेंगी। तो वो कोई भी आउटफिट अगर ट्राई कर रहा है तो भाई उसको कॉन्फिडेंस के साथ पहन रहा है, इसीलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी हाइट कम है या ज्यादा है, वो अच्छा लगता है, इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम कुछ ऐसा पहन लेते हैं कि जो दूसरा नहीं पहन रहा है, दूसरा उसके बारे में नहीं जानता है, लेकिन आप अगर उसको पहन रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ या फिर नहीं लग रहा हूँ, दूसरे के सामने कैसा दिख रहा होगा, ये सब बातें हमारे माइंड में घूमती रहती हैं। तो ये सब हमारे माइंड में बिल्कुल भी घूमना नहीं चाहिए, जो भी पहन रखा है कॉन्फिडेंस के साथ पहनो, डजेंट मैटर कि भाई दूसरा क्या सोच रहा है, आपने पहन रखा है तो आपको कॉन्फिडेंस है, आप उसको जरूर पहनो, जरूर उसको पहन के बाहर जाओ, आप अच्छे लग रहे हो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है। तो यही चीज उसके अंदर है, तो इसीलिए वो है वेल ग्रूम्ड और फंकी
आउटफिट्स को पहनता है तो बहुत ज्यादा बेटर लगता है। तो भाई एक फाइनल चीज आती है कि आप लोग सोचते हो कि वो इतना ज्यादा फेमस क्यों है। ऑब्वियसली सी बात है कि टिकटॉक अच्छा बनाता है। अब केवल यही बात नहीं है भाई, उसके अंदर टैलेंट है, इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं, इसीलिए उसकी फैन फॉलोइंग जो है बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, हम लड़कों में वो बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़कियों में तो ऑलमोस्ट सभी लड़कियों को वो पसंद आता है, लेकिन लड़कों में क्यों फेमस है? लड़कों में फेमस इसीलिए है क्योंकि लड़कों को उसका हेयर स्टाइल, उसकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा पसंद है। अब हेयर स्टाइल की बात करूं भाई, तो वो है एक आइकन पर्सनैलिटी, उसके वो एक लाइक सुपरस्टार, तो वो ये वाली चीज है। तो अगर वो अपने हेयर्स पर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करता है, और अगर तो उसके साथ, उसके हेयर्स के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, तो भाई वो आराम से हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह करवा सकता है, कोई भी चीज करवा सकता है, उसके हेयर्स प्रॉपर आ जाएंगे। लेकिन आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर यूज किए, तो अगर आपके हेयर्स के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको ठीक ही करवा लो या फिर ठीक हो जाए। तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तो कर सकता है, लेकिन कई बार आप उस चीज को नहीं कर सकते हो। तो उस चीज को ध्यान में रख के आप अपने हेयर्स के साथ कुछ भी करना, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो जी, ये थी आज की वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया है रियाज के फैशन सीक्रेट के बारे में, उसके स्टाइल मंत्रा के बारे में। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। और अगर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या ये है मेरा यूजर नेम, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।